नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होगा वो होगा दोस्तों पूरे 100 नोट का एक जो पैकेट होता है, चाहे वो 1 रुपये का हो चाहे 5 रुपये का हो। ऐसे ही कुछ महंगे जो नोट हैं, 100 नोट के जो पूरे पैकेट हैं, जिनको आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बंडल बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्या कुछ जो महंगे हैं जिनकी वैल्यू अच्छी है उनके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। और काफ़ी ज़्यादा आप में से मुझसे लोग ये पूछते हैं कि सर, हमारे पास ये वाले 100 रुपये के पूरे 100 नोट का पैकेट है, अलग अलग गवर्नरों के आपके पास अवेलेबल है, तो कुछ महंगे एक आइडिया के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या वास्तव में जो 100 नोट के पैकेट हैं उनकी वैल्यू होती है नहीं होती है। और ये सारी जानकारी दोस्तों आपको गूगल पे सर्च करने से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको जो कॉइन कलेक्टर्स जो हैं, जिन्होंने अपनी बुक पब्लिश की हैं, उस बुक्स में डिटेल मिलेगी आपको। ये जो कॉइन ऑक्शन हाउस हैं बड़े बड़े इंडिया में, उनके थ्रू ये सारी डिटेल आपको मिल सकती है। अब ये जो मैं आपको पूरी डिटेल आज दिखाऊंगा इस वीडियो में, ये कॉइन ऑक्शन हाउस की डिटेल है, क्लासिकल नुमिस्मैटिक गैलरी या और भी जो ऑक्शन हाउस हैं, मरुधर आर्ट्स वगैरह, तो उनकी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर ऑक्शन में जो 100 नोट के पैकेट हैं इनकी क्या वैल्यू है। और अगर आपके पास ऐसे ही सेम 100 रुपये के या 1 रुपये के या 5 रुपये के नोट के पैकेट है तो उनकी क्या वैल्यू मिलेगी। तो बात करते हैं आज इस वीडियो में, टॉपिक कवर करेंगे पूरे 100 नोट का एक पैकेट का दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 1950, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1 रुपी फुल पैकेट ऑफ 100 नोट्स, इंडिया 1950, साइन बाय के जी अंबेगांवकर। देख रहे हैं दोस्तों सीरियल नंबर P30, ये देख सकते हो पूरा यहाँ तक ये सीरियल नंबर है। अब इसकी अगर आप प्राइस देखेंगे 100 नोट के पैकेट की, तो 1,40,000 से 1,60,000, 1,40,000 से 1,50,000 तक 1950। ये फर्स्ट इशू नोट होते हैं जो आज़ादी के बाद जो छपे थे 1 रुपये के नोट, ये पहले 1 रुपये के नोट हैं जो आज़ादी के बाद छपे थे दोस्तों। इनकी प्राइस देख सकते हैं दोस्तों 1,40,000 से 1,60,000 तक जा रही है दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कौन से कुछ महंगे बंडल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1 रुपी फुल पैकेट 100 नोट्स 1951, KG अंबेगांवकर, सीरियल नंबर यहाँ देख सकते हो, इसकी प्राइस देख सकते हो। शॉर्ट में सारी वीडियो समझाऊंगा, पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में आपको ये सारी चीज़ें गवर्नर के नाम बताकर प्राइस वगैरह बता दूंगा, सीरियल नंबर बताकर। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही नोट के पैकेट हैं और आप उनकी कीमत जानना चाहते हैं 1950, 1951 या और भी कोई ऐसे पुराने हैं, तो आप उनसे मुझसे प्राइस उनकी पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके। आप अगर इसकी प्राइस देखेंगे आप, तो 30,000 से 40,000 तक इसकी प्राइस है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया देख सकते हैं 100 नोट 1957, LK झा गवर्नर, सीरियल नंबर यहाँ देख सकते हो H5 से ये पूरा सीरियल नंबर है। और इनसेट डी, यहाँ पर आप देखेंगे ये डी इनसेट है, आजकल जो है पीछे की तरफ थोड़ा सा इनविजिबल टाइप का होता है, आज के टाइम के अगर नोट देखेंगे आप तो जो इनसेट होता है वो सीरियल नंबर के पीछे की तरफ थोड़ा सा हल्का सा विजिबल होता है। तो अब अगर इसकी प्राइस देखेंगे आप 100 नोट की, तो 7 से 8 हज़ार रुपये एक फुल पैकेट की। अब यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये है आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1 रुपी 1964, ये एक सिंगल नोट है, पूरा पैकेट नहीं है दोस्तों। साइन बाय S भूतलिंगम, सीरियल नंबर A21, ये पूरा देख सकते हो, पूरा यहां तक सीरियल नंबर देख सकते हो। अब ये दोस्तों ग्रेड किया हुआ 1 रुपए का नोट है, यहां पर देख सकते हो इसको जो नंबर मिले हैं ये 64, ये ग्रेडिंग का नंबर मिला हुआ है, यानी कि ये बहुत एक बेहतरीन कंडीशन का एक नोट है 1 रुपये का 1964। यहाँ पर अगर आप इसकी प्राइस देखोगे तो दोस्तों ये है 12.5 से 13.5 हज़ार रुपये का एक सिंगल नोट, बी इनसेट है दोस्तों इसका। मैंने इस नोट के बारे में आपको काफ़ी बार बताया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कौन सा है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया 100 रुपी नोट 1974, साइन बाय MG कॉल, ये सीरियल नंबर देख सकते हो, पूरा 5 से 6 हज़ार रुपये दोस्तों पूरे पैकेट की प्राइस। तो अगर आपके पास भी ऐसे ही नोट के पैकेट है तो इन ऑक्शन हाउस की वेबसाइट पे जाइए, इनसे संपर्क कीजिए, या समय समय पर एग्जीबिशन लगते रहते हैं अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग स्टेट्स पर, तो वहाँ भी जाकर आप अपना पूरा पैकेट बेच सकते हैं। मैंने बेचे हैं, मेरे पास काफ़ी सारे पैकेट थे मोनटेक सिंह आलू वाले के, मैंने दिल्ली एग्जीबिशन में वो बेच दिए थे। रिपब्लिक ऑफ इंडिया देख सकते हैं 100 रुपीज़ नोट, यहाँ देख सकते हैं साइन बाय S वेंकटरमन, यहाँ पर देख सकते हैं 12 से 15 हज़ार रुपये एक पूरे पैकेट की कीमत,
ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं 100 रुपये नोट 1985 साइन बाय एस वेंकटरमन, 12 से 15 हज़ार रुपये। सीरियल नंबर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई 1985 का पैकेट है तो सभी की इतनी प्राइस मिलेगी, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ देखनी होती है, प्रीफिक्स देखना होते हैं, इंसर्ट देखने होते हैं, और भी बहुत सारी सीरियल नंबर भी सारी चीज़ें देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉइन कलेक्टर या नोट का जो कलेक्शन करते हैं उनके थ्रू ही पता चल पाएगी। आप उनसे पहले नॉलेज ले लीजिए अगर आपके पास ऐसे है कि वैल्यूबल है या नहीं है। आप ऐसे ही देखिए, अलग अलग तरह के काफ़ी सारे ऐसे नोट के पैकेट आपको मिलेंगे। अब ये वाला नोट का पैकेट आप देखेंगे दोस्तों, 2 रुपये का, फुल 100 रुपये का नोट का पैकेट है ये, 1957 सॉरी। यहाँ देखते हैं साइन बाय HVR लेंगर, सीरियल नंबर ये है, 12 हज़ार से 15 हज़ार रुपये इसकी कीमत है। ऐसे ही ये कुछ अलग अलग नोट है जिनकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, 2 रुपये के ही है। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, देख लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ऐसे ही कुछ ये अलग अलग फिर 5 रुपये के नोट आ गए हैं ये वाले, ये देख सकते हो, 10 से 12 हज़ार रुपये इसकी कीमत है पूरे पैकेट की, LK झा गवर्नर। ऐसे ही ये वाले नोट हैं दोस्तों, तो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी होगी, छोटी वीडियो बनानी है, सिर्फ एक आइडिया देना है आपको रफली, क्या जो 100 नोट के पैकेट होते हैं उनकी क्या वैल्यू है और सच में ये कितनी प्राइस में बिक जाते हैं। तो अगर ऐसे ही कुछ पैकेट आपके पास है 100 नोट के, तो आपको लगता है क्या इनकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो आप किसी कॉइन कलेक्टर से पता कर सकते हैं। और अगर आपका नोट रेयर है, आपको पता है, तो वो भी आप बेच सकते हैं इन ऑक्शन हाउस को या एग्जीबिशन वगैरह में जाकर। फेसबुक भी एक अच्छा माध्यम है ऐसे पूरे 100 नोट के एक पैकेट को बेचने का। आशा करता हूँ ये दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस घंटी को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका धन्यवाद।